अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ अब्दुल अलीम और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई नज़र आ एक बेहतरीन सी और नई सी चीज़ को अनबॉक्स करेगा, और मैं खुद भी उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मेरे पास वो कब आई, क्योंकि वो चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। अब वो चीज़ मेरे पास मौजूद है और वो चीज़ है जी ये लेविटेशन ग्लोब। एक ग्लोब होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ ना एयर के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, और ये देखने में बहुत ही कोई कमाल और अच्छे किस्म की लेवल की चीज़ लग रही होती है। इसके अंदर जी एक ग्लोब होता है और साथ इसके एक बेस होती है, यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी लगी होती हैं। उनकी लाइट्स होती हैं वो आरजीबी टाइप होती हैं, जो कि देखने में ना ज़रा बहुत ही एक अच्छी लुक देती हैं। जिसके इन लाइट्स के साथ इसको हम एक लैंप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम अपने साइड टेबल पर रख सकते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ प्लस इसके सेटअप की तरफ। बॉक्स है वो कुछ इस तरह का है, कंडीशन इसकी कोई ख़ास नहीं है, मगर यहाँ पे हमें अपना ग्लोब देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है जी फ्लोटिंग एंड रोटेटिंग इन मिड एयर अ गुड डेस्क डेकोरेशन अ गुड प्रोमोशन गिफ्ट। यहाँ पे इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं जिसके वेरियंट और इसके कलर्स। तो यहाँ पे ये फोर कलर्स के अंदर आता है, और मुझे ये जोन सा है ना ब्लैक और सिल्वर वाला बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। देखते हैं हमें कौन सा निकलता है। चल रहे हैं जी, इसे मैं खोल लेता हूँ। ओह वाह, हमें भी गोल्डन कलर का निकला है, ये साइड पे कर लेता हूँ। इसके बाद जी हमारा निकल आता है अडैप्टर, जिसकी जो आगे से पिन है वो मैं ज़रा आपको खोल के दिखा देता हूँ ज़रा अच्छे तरीके से। तो इसके साथ पिन है वो कुछ इस तरह की है, और जो हमारा अडैप्टर है ये है जी 220 वोल्ट से 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का। ठीक हो गया, मेड इन चाइना फॉर इंडोर यूज़ ओनली, ये अब मैं साइड पे कर लेता हूँ। और इसके अलावा हमें देखने को मिल जाता है हमारा ग्लोब। तो इसकी तो क्वालिटी जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। और फर्दर इन दी बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है मुझे लगता है अपनी बेस, और ये क्या चीज़ है। अच्छा ये मिल जाता है, इसको ना इसके अंदर बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता होगा। साइड पे ये है जी हमारी बेस, जो कुछ इस तरह की हमें देखने को मिल जाती है। और यार ऐसे इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना वो बुरी नहीं है, यानी कि वो जो सा टॉयज टाइप चीज़ लगती है ना वो नहीं है। तो वो उसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है एक बेस, एक इसका हमें ये सेट करने के लिए जो भी इसे कहेंगे, और इसके अलावा हमें देखने को मिल जाता है एक अडैप्टर। तो अब हम इसे चला के देख लेते हैं। तो जो सा उन्होंने हमें साथ ये वाला इसके दिया हुआ पार्ट, इसका सब बेसिकली वर्क है वो कुछ इस तरह है कि इसको हमने इस तरह पकड़ लेना है इस पर लगाने के लिए। इस वक्त ये पावर ऑन है, यहाँ से आपको इस लाइट से अंदाज़ा हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इतना सा डिस्टेंस है ना हमने इसके अंदर और मैग्नेट के अंदर रखना है। इसके बाद जो हमारा ग्लोब है ना वो कुछ इस तरह करके, वाह यार बहुत ही ज़बरदस्त और किसी किस्म का ना मैजिक टाइप की लुक दे रहा है मुझे। अगर मैं बहुत एहतियात से अपना कैमरा उठाऊं और इसे ज़रा इधर को आके आप लोगों को दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है, और देखने में कोई बहुत ही ज़बरदस्ती लुक दे रहा है, ज़बरदस्त। तो फिलहाल अगर मैं इसे रोटेट करके देखूँ, और अब हम करेंगे जी एक छोटा सा टेस्ट, और वो टेस्ट कुछ इस तरह का है कि आपने ये डेकोरेशन पीस ले लिया है और ये आपके रूम के कोने पे आपने ना रख दिया, और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ्लोटिंग कर रहा है, और क्या होगा कि अचानक जो आपकी लाइट है वो चली जाए। तो अभी मैं इसको सा अडैप्टर है इसे मैं स्विच से निकालूंगा और देखते हैं फिर इसका क्या होता है। अभी मैं इसका स्विच निकालने लगा हूँ अपनी एक्सटेंशन से, ये मैं 3 के काउंट डाउन पर करूँगा, 3 2 1। इसी वजह से उन्होंने हमें इसके साथ अडैप्टर दिया हुआ है कि ये पावर के बगैर चलने वाली चीज़ नहीं है। जैसा हमारा ग्लोब है इसके लिए भी उन्होंने एक बिल्ट इन मैगनेट दिया हुआ है, इसके यहाँ पे कॉइल्स वगैरह उन्होंने लगाई होती हैं, और ये ना प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर ही फ्लोट कर रहा होता है। तो जी फुल अंधेरे में हमें कुछ इस तरह की लुक दे रहा है, हम इसे एज अ नाइट लैंप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और अंधेरे में जैसे इसकी लुक है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, रियल मून जैसी होती है, इस तरह हाफ मून नज़र आ रहा है और बाकी सारा जुमसा ना वहाँ पे अंधेरा है। तो लेविटेशन ग्लोब को मैंने अनबॉक्स कर दिया है, मुझे लगा था ये टॉयज टाइप का कोई डेकोरेशन पीस होगा, मगर नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और मच्योर किस्म का ना उन्होंने डेकोरेशन पीस बनाया हुआ है।
तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वहां से जाके इसे बाय कर सकते हैं। तो इसके अलावा प्रोडक्ट के रिलेटेड आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।